हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आगे तुम्हारे भाई की एक और नई वीडियो। सो फाइनली टाटा ने अपना एक और न्यू प्रोडक्ट मार्केट में अनवील कर दिया, टाटा पंच के नाम से, जो कि एक नॉकआउट पंच की तरह साबित होगा मार्केट में। ऐसा कंपनी को उम्मीद है भाई, और मुझे भी, क्योंकि गाड़ी जिस सेगमेंट में लॉन्च हो रही है वो काफ़ी कॉम्पिटेटिव सेगमेंट है। एक एंट्री लेवल सेगमेंट में गाड़ी लॉन्च की जा रही है। इस सेगमेंट में कंपनी के पास कोई भी गाड़ी अवेलेबल नहीं थी, और ये वही पंच है जिसे हमने ऑटो एक्सपो 2020 में ऑलरेडी देखा है HBX के नाम से। कभी HBX कभी हॉर्नबिल के नाम से गाड़ी हमें दिखाई गई, बट फाइनली इसे पंच के नाम से मार्केट में अनवील कर दिया गया है। ये माइक्रो SUV सेगमेंट में गाड़ी लॉन्च हो रही है, और ये बिल्कुल भी वो वाली SUV नहीं है जो दमदार SUV आपको मारुति सुजुकी ने देती है एस्प्रेसो के नाम से, बट ये वो SUV है जो टाटा सफारी के जैसे आपको देखने को मिलेगी। बाकी ये सेगमेंट मुझे पर्सनली ज़्यादा इसलिए पसंद है क्योंकि इसमें आपको कॉम्पैक्ट डिज़ाइन के साथ साथ एक अच्छा ग्राउंड क्लियरेंस भी देखने को मिल जाता है, जो कि इसे शहर के साथ साथ गांव देहात के लिए भी एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट बनाता है। बाकी टाटा कंपनी की सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी है कि जो उसका कॉन्सेप्चुअल वर्जन था उससे ज़्यादा डेविएट ना करते हुए एक्चुअल प्रोडक्ट उसी की तरह निकाला गया, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। अगर फ्रंट लुक के बारे में इसकी बात करें तो मुझे गाड़ी बहुत ज़्यादा पसंद आई है, क्योंकि जो इसका DRL वाला एरिया है वो कम्प्लीटली सफारी से इंस्पायर्ड है। बाकी जो इसका हेडलैम्प वाला यूनिट है वो मुझे कुछ क्विड की तरह लगा है, बट जो अलग चीज़ टाटा कंपनी ने इसके साथ करी है वो जो इसका फॉग लैंप है ना भाई, वो अलग दिया गया है, जो कि मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। क्योंकि इसमें आप आफ्टर मार्केट प्रोजेक्टर्स इंस्टॉल करवा सकते हैं, जो कि मैं अपने एल्ट्रोज में नहीं करवा पा रहा हूं। इसके अलावा गाड़ी में आपको फ्रंट में एक ग्रिल देखने को मिलती है जो कि काफ़ी एयरी है, जिससे आपके रेडिएटर को काफ़ी हद तक हेल्प मिलेगी कूल डाउन होने में। इसके अलावा गाड़ी के फ्रंट में आपको डुअल टोन में बम्पर प्रोवाइड कराया गया है, जिसमें कि नीचे ग्लाइडिंग का पार्ट है और ऊपर इसका बॉडी कलर है। ये ग्लाइडिंग पूरी गाड़ी में ऑल ओवर दी कंटिन्यू करी गई है, डोर से लेके बैक साइड तक। बट जो डोर वाली ग्लाइडिंग मुझे काफ़ी हद तक पसंद नहीं आई है, क्योंकि वो थोड़ी मुझे ओवर लगी। अगर थोड़ी कम होती शायद ज़्यादा अच्छा होता। बाकी यार, जब फाइनली सामने हम ऑन रोड इसे देखते हैं तब पता चलेगा गाड़ी कैसी लग रही है। बाकी फर्स्ट लुक अगर आप मेरे से पूछे तो भाई मुझे अच्छी लगी गाड़ी। गाड़ी साथ ही साथ आपको डुअल कलर्स में प्रोवाइड कराई जाएगी, जैसा कि आप देख ही सकते हैं। इसके अलावा गाड़ी के अगर बैक प्रोफाइल के बारे में बात करूं तो लगभग ये कॉन्सेप्चुअल वर्जन की तरह आनी चाहिए, जैसे कि फ्रंट प्रोफाइल भी आई है, तो कुछ इस तरीके से इसका बैक प्रोफाइल आने वाला है, जो कि इसके फ्रंट प्रोफाइल को कम्प्लीटली कॉम्प्लीमेंट करता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है यार कि गाड़ी का फ्रंट प्रोफाइल अलग है और बिल्कुल बैक प्रोफाइल अलग है। बाकी यार, देखते हैं गाड़ी कब फाइनली अनवील होती है। मेरे हिसाब से गाड़ी इस दिवाली पे आने वाली है, क्योंकि कंपनी अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे लिखा कमिंग दिस फेस्टिव सीजन। बाकी इसके एक्स शोरूम प्राइस के बारे में बात करूं तो इसका एक्सपेक्टेड एक्स शोरूम प्राइस जो है वो 5 लाख के करीब में हो सकता है, क्योंकि कंपनी को एक गाड़ी एक कॉम्पिटेटिव रेट के साथ ही मार्केट में उतारनी पड़ेगी। जब बाकी देखते हैं गाड़ी हमें कब फाइनली देखने को मिलती है। जब भी देखने को मिलती है यार, आपके लिए जरूर एक वीडियो आएगी मेरे चैनल पे, सो दैट आपको भी एक एक्सपीरियंस मिल सके कि कैसी गाड़ी लग रही है। बाकी अगर आप भी एक्साइटेड हो गाड़ी से रिलेटेड, पंच से रिलेटेड, तो जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करें पंच के नाम से, और इसी तरह अपने भाई को अपना लव एंड सपोर्ट बनाए रखें। तो एक पंच टाटा की तरफ से और एक पंच हम सब की तरफ से मार्केट की तरफ। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। राम राम मेरे भाई।